नमस्कार, मैं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राज्य में लॉकडाउन के पहले दिन दिखी पूरी सख्ती। प्राइवेट अस्पतालों को बिहार सरकार मुफ्त में नहीं देगी कोरोना वैक्सीन। पटना में 11 जगहों पर जरूरतमंदों को मुफ्त में मिलेगा खाना। राज्य में तेज आंधी बारिश के साथ ही येलो अलर्ट हुआ जारी। देश भर में लगातार 10वें दिन आए 3.5 लाख से ज्यादा मामले। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। राज्य में लॉकडाउन के पहले दिन दिखी पूरी सख्ती। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर में पहले लॉकडाउन का दिन आज से शुरू है, जो कि 15 मई तक लागू रहने वाला है। सरकारी आदेश के बाद से आज सुबह से ही हर जिले के प्रशासन मुस्तैदी के साथ लॉकडाउन का पालन करवाने में दिखे। वहीं इस दौरान पहले दिन प्रशासन का सख्त रवैया भी देखने को मिला। सभी जिलों में डीएम और एसपी खुद ही सड़क पर घूम घूम कर दुकानदारों व आम लोगों से लॉकडाउन व कोविड गाइडलाइन का करने के लिए चेतावनी दी। इसके तहत बिहार के मुख्य सचिव ने पूर्व में ही सभी जिला प्रशासनों को स्पष्ट तौर पर सख्ती के साथ लॉकडाउन को गंभीरता से लागू करने की बात कही थी और कोरोना वायरस के चेन को हर हाल में 15 मई तक तोड़ने की बात कही है। इस दौरान कोताही बरतने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। इसके तहत आज राजधानी पटना में नाइट कर्फ्यू खत्म होने के बाद से ही सुबह 11 बजे तक जरूरत की सामानों के लिए लोग दिखे, तो वहीं उसके बाद सड़कों पर सख्ती बढ़ा दी गई। इस दौरान सड़क पर जरूरी सेवाओं की गाड़ियां आती जाती दिखी। प्राइवेट अस्पतालों को बिहार सरकार मुफ्त में नहीं देगी कोरोना वैक्सीन। बिहार के सभी निजी अस्पतालों को अब कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए खुद ही टीका खरीदना पड़ेगा। इसके लिए बिहार सरकार ने 1 मई के बाद से ही सभी प्राइवेट अस्पतालों को टीका उपलब्ध कराना बंद कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक यह फैसला केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर लिया गया है। इसके तहत अब 18 से ऊपर के लोगों के टीकाकरण अभियान के बाद अब निजी अस्पतालों को टीका खरीदना होगा। इसके लिए उन्हें कोविशील्ड व कोवैक्सीन निर्माता कंपनियों से टीका खरीदना पड़ेगा। वहीं जिन लोगों ने निजी अस्पताल में पहली डोज ले ली है, वे सरकारी अस्पतालों में दूसरी डोज ले सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीकाकरण जारी रहेगा। बताते चले कि राज्य में अभी 18 से ऊपर के लोगों का कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू है। पटना में 11 जगहों पर जरूरतमंदों को मुफ्त में मिलेगा खाना। बिहार सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाने के बाद से सामुदायिक रसोई शुरू करने का भी फैसला लिया गया है। इसके तहत कोई भी भूखा ना रहे, इसके लिए सरकार मुफ्त में गरीब मजदूर निःशक्तों व जरूरतमंदों के लिए सुबह शाम भोजन देने की व्यवस्था कर रही है। इसके तहत राजधानी पटना में आज से जरूरतमंदों के लिए फ्री में सामुदायिक किचन की शुरुआत की गई है। इस बारे में पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि पटना में कुल 11 जगहों जिसमें से आपदा प्रबंधन की ओर से 4 तथा नगर निगम की ओर से 7 स्थानों पर सामुदायिक रसोई केंद्र संचालित होंगे और इन सभी केंद्रों पर 15 मई तक जरूरतमंद लोगों को सुबह शाम निर्धारित समय पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र में बिजली पानी के साथ ही सभी सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध भी किया गया है। राज्य में तेज आंधी बारिश के साथ ही येलो अलर्ट हुआ जारी। बिहार में बीते कुछ दिनों से कई जिलों में तेज आंधी गरज के साथ बारिश हुई, तो गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके तहत विभाग ने उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों मसलन पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया एवं पूर्णिया में तेज बारिश की संभावना जताई है। वहीं मौसम विज्ञानियों के मुताबिक उत्तर प्रदेश से लेकर असम तक एक ट्रफ लाइन गुजरने के कारण बिहार समेत हिमालय के तराई वाले इलाकों में आंधी चलने के साथ साथ फुहारे पड़ रही हैं। इस दौरान ओले और वज्रपात की भी संभावना है। इसके लिए मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। वहीं 8 मई तक ऐसी स्थिति की संभावना जताई गई है। राजधानी में लाखों की डकैती का मामला आया सामने। बिहार में एक बार फिर अपराध कर्मियों के हौसले बढ़े दिख रहे हैं। इस क्रम में पटना के दानापुर इलाके से एक मामला सामने आया है, जहां गोला रोड के पास सुजाता रेसिडेंसी अपार्टमेंट में हथियारबंद डकैतों ने परिवार को बंधक बनाकर 1.5 लाख रुपए नकद सहित 6 लाख के जेवर लूट लिए। वही डकैती का विरोध करने पर बदमाशों ने गोली मारने की धमकी दी। घटना के बारे में पीड़ित परिवार ने बताया कि 6 लोग उनके घर के बाहर आए और खुद को बिजली विभाग से बताकर अंदर आने की इजाजत मांगी, जिसके बाद गेट खोलने पर सभी डकैत घर में घुस गए। इस दौरान सभी के चेहरे मास्क से ढके हुए थे। वहीं घर में घुसने के बाद डकैतों ने पिस्तौल के बल पर पूरे परिवार को बंधक बना लिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट चुकी है। बिहार में जरूरतमंदों को मुफ्त में मिले 2 महीने का राशन। राज्य में लॉकडाउन के बीच एक राहत बड़ी खबर है। इसके तहत राज्य के राशन कार्ड धारकों को मई महीने के राशन के लिए किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। इसके तहत बिहार सरकार ने राशन पर खर्च हो रही राशि का भुगतान खुद ही करने की बात कही है। वहीं जून में लोगों को फ्री में 5 किलो अनाज दिया जाएगा, लेकिन यह पहले से मिल रहे राशन के अतिरिक्त होगा। इस दौरान बस पहले से मिलने वाले राशन के लिए ही लोगों को भुगतान करना होगा, बाकी उन्हें अलग से 5 किलो मुफ्त में अनाज सरकार देगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने भी मई और जून महीने के लिए फ्री में अतिरिक्त राशन
राशन देने की घोषणा पहले से कर रखी है, जिसके तहत बिहार के 8,70,00,000 लोगों को मई और जून महीने में 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल फ्री दिया जा रहा है। यह हर महीने मिलने वाले अनाज के अतिरिक्त है। आपको बता दें कि इससे कोरोना संक्रमण के चलते रोजगार पाने में कठिनाई का सामना करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है। काम में लापरवाही बरतने पर 3 मजिस्ट्रेट पर हुआ FIR दर्ज। कोरोना पेशेंट के इलाज की सुविधा को लेकर नियुक्त किए गए 3 मजिस्ट्रेट को ड्यूटी से गायब रहने और काम में लापरवाही बरतने के कारण FIR दर्ज किया गया है। इन तीनों मजिस्ट्रेट पर 30 अप्रैल को अपनी ड्यूटी से गायब रहने और इसकी सूचना भी जिला नियंत्रण कक्ष को नहीं देने का आरोप है, जिसके कारण कोविड मरीजों को काफी परेशानी होने के साथ ही अस्पताल में भर्ती कराने से लेकर विधि व्यवस्था भी बिगड़ी है। जिसके बाद इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए पटना जिला नियंत्रण कक्ष ने फुलवारी शरीफ थाना में मजिस्ट्रेट संजीत कुमार, दिलीप ठाकुर और शशि कुमार के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। वहीं दूसरी तरफ गया में पोस्टेड उत्पाद विभाग के एक दारोगा व 2 सिपाहियों को भी नशे की हालत में गिरफ्तार व्यक्ति से अवैध वसूली करने का आरोप पाए जाने के बाद विभाग ने तत्काल उन्हें सस्पेंड कर दिया है। पटना में 50 जगहों पर बने चेक पोस्ट। लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने को लेकर राजधानी पटना में 50 जगहों पर पुलिस चेक पोस्ट बनाए गए हैं। इसके तहत यहां सुबह से लेकर शाम तक पुलिस ऑन रोड तैनात रहेंगे। इस दौरान दोपहर 2 बजे से लेकर 10 बजे तक, फिर रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके लिए पटना SSP ने DSP से लेकर थानेदारों को अलर्ट रहने और लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके मुताबिक दिन के 11 बजे के बाद अगर कोई भी दुकान खुली मिली तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जिला पुलिस के साथ साथ यातायात पुलिस की ड्यूटी भी सभी प्रमुख मार्गों जैसे कि बेली रोड, डाक बंगला, इनकम टैक्स, गोलंबर, अशोक राजपथ, पाटलिपुत्र, ओल्ड बाईपास, न्यू बाईपास समेत अन्य जगहों पर लगाई गई है। इस क्रम में बगैर काम से निकलने वालों को भारी जुर्माना देना हो सकता है। नीतीश सरकार के लॉकडाउन के फैसले की बिहार भाजपा ने की तारीफ। सूबे में NDA के घटक दल BJP ने अपने गठबंधन की सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाए जाने को लेकर पूर्ण समर्थन दिया है। इस क्रम में बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने नीतीश सरकार के 15 दिनों के संपूर्ण लॉकडाउन के फैसले की सराहना की है। साथ ही उन्होंने विपक्षियों पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग उनके लॉकडाउन लगाए जाने की मांग पर राजनीतिक बयानबाजी कर रहे थे, उन्हें उस बयान का अर्थ अब समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने भी इस फैसले को स्वागत योग्य कदम बताते हुए इसी महामारी की चेन को तोड़ने में मददगार बताया है। दूसरी तरफ बिहार की विपक्षी पार्टियां सरकार को घेर रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्ष पहले से ही लॉकडाउन लगाने की मांग कर रहा था, मगर सरकार ने संक्रमण के गांव कस्बों तक पहुंचने के बाद तालाबंदी करने की घोषणा की है, जब बहुत देर हो गई है। अंतिम संस्कार के लिए अब बंगाल से लाई जाएंगी लकड़ियां। COVID-19 के बढ़ते माहौल ने बिहार को वह दंश दिखा दिया है जिसकी कल्पना बिहार के किसी भी व्यक्ति ने नहीं की होगी। हालात आज ऐसे हैं कि अंतिम संस्कार के लिए दूसरे राज्य से लकड़ियां मंगवाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसके तहत बिहार सरकार ने अंतिम संस्कार के लिए बंगाल से लकड़ियों को मंगवाने का आदेश जारी किया है। पटना नगर निगम की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक बंगाल से लकड़ियों को मंगवाने का एक और उद्देश्य यह है कि बिहार में लकड़ियों की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि मांग बढ़ी है तो कीमत भी बढ़ा दी गई है, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है कि अब सिक्किम, सिलीगुड़ी और कोलकाता से लकड़ियां बिहार मंगवाई जाएंगी। पप्पू यादव देंगे कोरोना मरीजों और उनके परिजनों को मुफ्त में खाना। कोरोना संकट में मदद के लिए जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने नेक कदम उठाया है। इसके तहत पार्टी ने मरीजों और उनके परिवार वालों की परेशानी को देखते हुए रोज 3 टाइम मुफ्त में भोजन उपलब्ध करा रही है। इस अभियान की शुरुआत पप्पू यादव ने मंगलवार से ही किया है। इस दौरान मंगलवार को PMCH, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस, NMCH और एम्स पटना में जन अधिकार सेवा दल के द्वारा भोजन वितरण किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास होगा कि सभी जरूरतमंदों को भोजन मिले, इसके लिए पूरे कोरोना काल तक यह सेवा जारी रहेगी। लालू यादव की बेटी ने रोजा रखने के बाद विरोधियों को दिया जवाब। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की रिहाई और बेहतर स्वास्थ्य की कामना के लिए उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने पाक माह रमजान का रोजा रखने का फैसला लिया था, जिस पर जमकर हिंदू मुस्लिम एंगल से राजनीति भी हुई। वहीं अब इस मुद्दे पर रोहिणी आचार्य ने अपने विरोधियों को एक कविता के माध्यम से जवाब दिया है। अपनी कविता की पंक्तियों के साथ उन्होंने अस्पताल में पिता लालू यादव के साथ ली गई एक तस्वीर को भी शेयर किया है। उन्होंने ट्विटर पर धर्म की राजनीति करने वालों पर सवाल उठाते हुए लिखा कि एक धर्म की कट्टरता की जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च जाकर हिंदुस्तानी कहलाना ज्यादा बेहतर है। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने सिखाया है कि धर्म से ऊपर मानवता है। IPL 2021 नहीं हुआ है रद्द। बीते दिन BCCI ने कई खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद IPL 2021 को स्थगित करने की घोषणा की थी, जिसके बाद से ही आगे जाकर IPL 14 को रद्द किए जाने पर कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं अब इस पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इसे लेकर अपनी स्थिति को स्पष्ट किया है। उन्होंने बताया कि IPL 14 को रद्द नहीं किया गया है, बल्कि इसे फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि बचे हुए मैच का आयोजन को लेकर कोविड की स्थिति में सुधार होने के बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा।
कोरोना गाइडलाइन तोड़ने पर एक महीने में वसूले गए 4 करोड़ रुपए। राज्य में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों पर बिहार पुलिस द्वारा कार्रवाई लगातार जारी है और इस दौरान बीते 1 अप्रैल से ही सभी जिलों में इसके लिए अभियान चलाया गया है। इस दौरान 1 अप्रैल से अभी तक करीब 4 करोड़ रुपए का जुर्माना बिहार पुलिस ने वसूला है, जिसमें से 1 करोड़ से अधिक का जुर्माना नाइट कर्फ्यू के दौरान ही वसूल किया गया है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने पर 105 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 70 पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस दौरान करीब 1.5 लाख गाड़ियां जब्त करने के साथ ही वाहन मालिकों पर जुर्माना भी वसूला गया है। तो दूसरी तरफ बिहार पुलिस ने सिर्फ अप्रैल महीने में 1,14,000 से अधिक लोगों को बिना मास्क के पकड़ा है और इनसे 57 लाख रुपए से अधिक की राशि बतौर जुर्माना वसूली गई है। देश भर में लगातार 10वें दिन आए 3.5 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले। देश भर में बीते कुछ दिनों से कोरोना वेव आक्रामक बन चुका है और हर रोज ही कोरोना के 3.5 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं, जिसे लेकर स्थिति अब चिंताजनक बनी हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,82,315 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान कुल 3,780 मरीजों ने अपना दम भी तोड़ दिया है। वहीं बीते 24 घंटे में 3,38,439 मरीज बीमारी से रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद देश में कुल एक्टिव केस अब तक 34,87,229 हो गई है। वहीं अगर हम बात अपने बिहार की करें तो बिहार में बीते दिन के बीते 24 घंटे में कुल 14,794 नए कोरोना केस आए हैं। वहीं इस दौरान 11,926 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1,10,430 हो चुकी है। वहीं रिकवरी रेट बढ़कर 78.36% हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार सरकार द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन का कितना असर आपके आसपास दिख रहा है? आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।